क्या है? क्या है? किससे मिलने जाना है बोट पे रात को? हाँ माला नहीं माइक काका, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किसने किसके लिए लिखा है। किसके लिए? तेरा नाम लिखा है ना, देख आंखें फाड़ के देख, तेरा नाम है। बाबा बाबा वो देखो, वहां से कोई तो देख रहा था। बस वो मंदार भाव है ना? नहीं वो कुछ नहीं, ऐसे ही बस। अच्छा तृप्ति बेटा इकड़े ये और सगाई की तैयारी कैसे चल रही है? सगाई की तैयारी बढ़िया जोर शोर से। हमने वो बाबू भाई हॉल बुक किया है। बाबू भाई हॉल? हाँ हम जानते हैं कि वो हॉल आपके लेवल का नहीं है, पर वो वही मिला तो लेकिन शादी के लिए हम आपके लेवल का हॉल बुक करें। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं वैसे कोई कमी नहीं होगी। हम तो क्या, तू भी मंदिर में चिट फेंका तो जवाब नहीं देती। अच्छा सुन, कल रात तू बहुत जल्दी जल्दी में चली गई, आज रात थोड़ा टाइम निकाल के आना। बंद कर। ये आजकल के लड़के भी ना ऐसे परेशान तंग करते हैं सबको। हाँ। काम धंधा है नहीं, बस फोन उठा लिया, फोन घुमा दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं। संभालो ना, सगाई होने वाली है। ओहो, जित्ती क्या ये? मैं नहीं माइक काका, नहीं माइक। वही नहीं संभाला तिला, चल। खरा बोलते तू, सही कह रही है। अपनी तृप्ति ऐसी लड़की है ही नहीं, जल्ला मोरा त्याचा। जरूर कोई इसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ए तृप्ति, ए पोरी, काळजी करू नको, मैं है ना। हा? ले। अरे ठेव ना, जा जाके अपनी शादी की खरीदी करना। हाँ ये भाई सांगिला। तेरा नंबर कैसे किसी को तेरा नंबर पता चल जाता है रे? हाँ वाद्रक, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, लक्षा ठेव। ओ आई, मैं अभी शॉपिंग करके आती हूँ। जा और जल्दी आ। ए, ए, कुठे निघाली आणि हातात काय आहे ते? हाँ काकांनी दिले पैसे। क्या काकांनी दिले पैसे? हैं तेरे काका की हो गई है बुद्धि भ्रष्ट, खराब हो गई है बुद्धि। जब से तेरा बाप मरा है ना, तुम दोनों माँ बेटी दोनों पे दोनों हाथों से पैसा लुटा रहे, और अब तो सिर्फ पैसे नहीं लुटाते, मेरी बेटी का रिश्ता भी लुटा दिया तुझ पर। की क्या बोल रहे हो आप? ए चुप, क्या बोल रही हूँ? रितेश के लायक है क्या तू? पता नहीं कहाँ कहाँ से अपना ये मुख काला करके आई है। रितेश की शादी तो मेरे वर्षा से होने वाली थी, पता नहीं कहाँ से तुम दोनों माँ बेटी ने लफड़ा कर दिया। क्या बोल रही है तू? तू मेरी बेटी कितनी कमोती है? याद रख, रितेश की शादी ना मेरी बेटी के साथ होगी। तू अगर बीच में आई ना, कितना भूल और चूड़ी है। अरे सुन, तू चुप रह, तू बीच में मत आ। कि तुझे समझ में आता है क्या? कुछ समझ में आता है क्या? क्या करेगी बता? आई सोना, आई सोना, मुझे आई। क्या करेगी? बोल तो तू क्या करेगी? क्या करेगी? आई सोना, मुझे चला। आई तू चुप रह, तू चुप रह, तू चुप रह।
चल। आई सोड जाट आई बेग राइट का भुगता हूं जाओ अंदर पेट जमा करते खाली पी ली तब देखो जल्दा महारत अच्छा देखो मैं कितना खुश नसीब हूँ सबके घर में ये लेडीज लोग लफड़ा करते हैं मारा मारी करते हैं झगड़ा करते हैं मेरे घर में एक एक लक्ष्मी और एक सरस्वती देखा कैसे मजे से रहते हैं साथ में रहते हैं घुलमुल के रहता है समझे देखा बाबा चलो चलो अंदर चलो चलो बाबा अंदर चलो चलो चल अरे बेकार ले अरे अरे आराम से ए भाईनी इधर आओ चलो आओ अंदर हम लोग सब लोग मिलके खाना खाते हैं आओ मिलके खाते हैं जा तुमको तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए रितेश का लग्न तो तुम्हारे साथ होने वाला था ज्योति तुझे पता है इस बात को लेकर ना मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ मुझे तो गुस्सा सिर्फ इस बात पे है कि ये कौन लड़का है जो तुझे इतनी बार फोन करता है बाबा को कितना बुरा लगा है तुझे पता भी है मुझे सच्ची नहीं पता कि वो कौन है और मजा पर विश्वास कर मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है एक बात बता तुरा खरच रितेश आवड़ तो ना पसंद है ना वो तुझे हो माला रितेश खूब आवड़तो फिर वो कौन हो सकता है जो तुझे इतने फोन कॉल्स करता है माला नहीं माहित जहां बर्तन होते हैं वहां आवाज जरूर होती है लेकिन घर का मुखिया होने के नाते हमारा एक फर्ज होता है कि हम परिवार में होने वाले विवादों को रोकें क्योंकि अगर इसे सही वक्त पर संभाला ना जाए तो ये मनमुटाव झगड़े में बदल जाएगा और झगड़ा कब जुर्म में तब्दील हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता और जिसका परिणाम हमारे परिवार को ही भुगतना पड़ेगा रजनी बाटली कूटी गई रजनी मासे तो नहीं खमंग वासे तो है क्या बना रही हो भाऊ आज प्रकाश की याद आ रही थी इसलिए पर आप बैठिए ना मैं आपको परसती हूँ अरे नहीं भाऊ देव मैं बाहर जा रहा हूँ जरा दोस्तों के साथ थोड़ा भाऊ बॉटल तो घर पे भी है आप ही तो लाई थी तुम ही बस आप मैं लेकर आती हूँ हाँ ठीक है मर बनाया माचो जी मजा आ गया भाऊ एक बात पूछूं आपके जिंदगी में हम लोग बोझ है बकवास एकदम बकवास कौन बोला तेरे को भाऊ मैं जानती हूँ हम लोग दोनों यहाँ पे रहते हैं रजनी को पसंद नहीं है वो नहीं चाहती हम लोग यहाँ रहे वो हम दोनों से खुश नहीं है भाऊ उसके चाहने ना चाहने से क्या हो रहा है मैं जानता हूँ प्रकाश का
बहुत बड़ा कर्जा है मेरे, बहुत बड़ा। अगर उस दिन मैं ज्यादा नहीं पीता और प्रकाश बोट नहीं चलाता तो इधर इधर यहाँ तेरे सामने प्रकाश होता जिंदा, हमारी नाव डूब गई और प्रकाश चला गया, मुझे बचाया उसने, इसलिए मेरे मरे हुए भाई के सामने मैंने शपथ ली कि मैं तुम दोनों को जिंदगी भर संभालेगा, दूर दूर नहीं करेगा। तो कोई परेशान कर रहा है क्या तेरे को? बोल बोल, अभी मैं खबर लेता हूँ मैं उसकी। भाऊ मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, पर तृप्ति, तृप्ति, तृप्ति ये बस 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 एक बस बस गया बस। क्या हुआ? तुप्ति भाऊ को हाथ दिखा 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 ना, क्या हुआ भाऊ? देखिए रजनी ने क्या किया। अरे ये रजनी ऐसा कैसे कर सकती है वो? मैं खबर लेता हूँ। रजनी, ए रजनी, रजनी, ए रजनी, रजनी। आई, हमको ये सब करने की क्या जरूरत है? तू चुप बैठ, तुझे कुछ नहीं पता। तुझे सिखा रही है मैंने ये क्यों किया वो क्यों किया, तुझे क्या समझ में आता है? Thank you.
लेकिन लेकिन नितेश के बदले कोई दूसरा आदमी था। हाय नितेश। सॉरी। हाय, मैं नितेश का फ्रेंड। सॉरी वो खुद नहीं आ पाया, लेकिन ये गिफ्ट भेजा उसने आपके लिए। सच्ची? यस। थैंक यू। एक मिनट, उसने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं अभी लेके आई। गिफ्ट? वाओ। गिफ्ट क्या? मम्मा ने मेरे काका इधर इधर ही था। काका मैसेज आ लेला, मुझे मैसेज आया था एक। दाखो उतना जिला, चल। वो गिफ्ट तो नहीं मिला, लेकिन मुझे मैसेज आया था। मैसेज क्यों नहीं है? रुकती क्या चल रहा है? आई माला गाई माई, वो मैसेज भी नहीं कि काका मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है। उल्टा सीधा कहानी सुनाकर अपने झूठ छुपा मत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कुछ ही दिनों में शादी है और तुम हो। बिरादरी में हमारी बहुत इज्जत है, ऐसे लड़के के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं कर सकती। चल रितेश, चल। वहीनी आओ। बच्ची ये गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ भाऊ। बच्ची है भाऊ, समझने की कोशिश करो भाऊ। काका काकी मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चल संभाल ले और अभी के अभी यहाँ से चलती बस। अरे माफ करो, हमको माफ करो। बहुत झेला है तुम दोनों को, माँ बेटी ने तमाशा बना के रखा है। कितने बेइज्जत हुए हम लोग तुम लोगों की वजह से। चल चल निकल अब, बहुत हो गया। चल चल, चल, बहुत हो गया। मेरी बात सुनो भाऊ, भाऊ सच बस बस, क्या भाऊ 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 लगा रखा है। अरे नाटक करते थी, गलत नहीं कहे तुम्हारा। आखिरी आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगली बार घर से बाहर फेंक दूंगा। बात तो बोलो, अच्छी तरह समझ लो। कल लगा दो गन्ना। हाँ बाऊ। अरे तुम्हारे गलत का सने मैंने कह दिया, नहीं बार अगली बार नहीं करेंगे। तू क्या देख रही है? चल सामान उठा। कितनी बार समझा मैंने, हाँ कितनी बार समझा तेरी वजह से मुझे आज ये दिन दिखना पड़ा। नहीं आई, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं रितेश को ही मिलने गई थी। नहीं बोल कर। मुंह बंद कर तेरा। मुझे पता है, आज पाऊ ने पहली बार मुझसे ऐसे बात की, तेरी वजह से पाऊ के सामने मुझे सर झुकाना पड़ा। अरे मरे हुए बाप के बारे में तो सोचती होती तू। नो, मुंह मत दिखा मुझे, मुंह मत दिखा। अरे यार क्या बताऊं तुझे, जत्था वो प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। अरे मंदर भाऊ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा अभी। अरे मैंने प्रकाश को वादा किया था, उसके फैमिली को मैं संभालेगा, चुप्पी का धूमधाम से शादी कराएगा। लेकिन पता नहीं अचानक से तृप्ति का क्या लफड़ा चालू हो गया है। अरे मंदर भाऊ तू चिंता मत करना यार, सब ठीक हो जाएगा देख तो। अरे क्या ठीक हो जाएगा, वो रत्ना जी ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। उसको लगता है कि
तृप्ति का लफड़ा चल रहा है। जब तक रितेश की माँ को यकीन नहीं होता कि तृप्ति का कोई लफड़ा नहीं है, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे बेटे की शादी नहीं कर सकती। चल गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। रत्ना जी ये तृप्ति से शादी करना चाहता था, इसलिए बार बार फोन करता था, इसीलिए गड़बड़ किया सब। मंदार हो, आपकी वजह से बहुत बदनामी हो चुकी है हमारी। अगर ये आदमी सच में बोल रहा है ना, तो अभी हम रितेश की शादी आपके बेटे के साथ नहीं कर सकते। रत्ना जी ऐसे मत करो, भाऊ बोलो ना उनको, ऐसे मत करो। देखो अगर आपने इस रिश्ते को ठुकरा दिया ना, तो मैं मर के भी अपने भाई को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तो भी बिन बाप की बेटी है वो कहे की नहीं रहेगी। भाऊ बोलो ना उनको। ठीक है, लेकिन याद रहे इसके बाद ऐसी वैसी बात नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं तृप्ति अच्छी लड़की है, हम भी शादी नहीं तोड़ना चाहते। चलिए शादी की तैयारी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। और देख, आज के बाद कम से कम 6 महीना इस गांव को अपना उम्र दिखाना। कर ला भूलो। चल जा। बहनी। हाँ तृप्ति। तृप्ति ने काय के, क्या हुआ तृप्ति? भाऊ वो तैयारी शुरू कर दो। अरे सगाई की तैयारी शुरू कर दो, रत्ना जी ने हाँ कर दिया है रिश्ते के लिए। मगर आज तुम लोगों की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा रत्ना जी से। आपके आयुष्यात इतनी बेइज्जती और जिल्लत मैंने झेली नहीं है। अगर इसके बाद दोबारा तुम्हारी वजह से मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा ना, तो मैं एक मिनट देवी की शपथ, मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा हमेशा के लिए। नहीं कल्ला का नहीं। शुरू करो तैयारी। ए अजने जीवाला वाड़ गया। फिर से कभी ऐसा नहीं करना, मैंने कुछ नहीं किया है। जा मुझे काफी काम है, जा। हम सब ने शादी में चीटिंग के कई केसेस के बारे में सुना होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कई बार झूठ बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि जब सच्चाई सामने आएगी तो इसका अंजाम क्या होगा। जहां दो रिश्ते जुड़ते हैं वहां पर सच्चाई का होना आवश्यक है, क्योंकि रेत पर महल नहीं बनते। अरे जगन्या लाइटी कुठे है? लाइटी ना लगले है। बग लाइट वाला बग, कुठे लाइट वाला? अरे अरे तुम क्या बैठे हो? हाँ बातें बंद करो, काम शुरू करो। हाँ तू तेरे 5 बजे तैयारी करा। आलस में बापिया। सब मामला चौपट हो गया है, लेकिन आई मेरा प्लान मस्त था ना।
तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा जैसे जिससे ना ये पूरी कहानी खत्म हो जाए। हाँ तो भगत सिंह काय करते हैं सबको ना। हेलो करो, वो हाथ का जो सब है वो चीज उठाओ। क्या बता सकते हैं ये चेन किसका है? मुझे बताइए, मुझे दिखाइए। ये केतु बादशाह की है और ये बाल भी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मारा है मेरी बेटी को। नहीं इसने किसी ने नहीं, मेरी बेटी से मुझे मारा है। नहीं मेरी कमर नहीं है। इंस्पेक्टर साहब इसको होने दीजिए। नहीं मेरी बेटी से इसको छोड़ो, छोड़ो मुझे छोड़ो। मैंने कुछ नहीं, बाबा बोलो ना, मैंने कुछ नहीं। आई अब मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, वो जान किसी की नहीं ले सकती। गाड़ी में डाल दो। गलती है, मुझे तुझे इतना बढ़ावा ही नहीं देना चाहिए था। पर मुझे क्या पता था तू उसे जान से ही मार देगी। तो मैंने नहीं मारा उसे। तूने नहीं मारा, पर तू तो कह रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नहीं तो मुझसे क्यों छुपा रही है?
मुझे पता है तूने ही मारा उसे। तो फिर का तुझे पागल हो गई है? भीड़ भीड़ लगने का काय तुला? मैं क्यों मारूंगी उसे? मतलब तूने नहीं मारा उसे? मैंने नहीं मारा, तूने नहीं मारा तो बाबा आई। पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा उसके डेड बॉडी पर मेरे बाल और मेरा लॉकेट कैसे मिला? एक मिनट, कहीं तृप्ति के डेड बॉडी पर जो बाल मिले थे कैची से तो नहीं कटे थे ना? मतलब इसका मतलब है किसी ने तुझे फंसाने की कोशिश की है। अरे पर कौन हो सकता है वो? अरे माला मेरे को पता चल गया तृप्ति को किसने मारा है। मेरे पास सबूत भी है, मैं कल ही पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को ये सबूत दे दूंगी और फिर ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। समाज में परिवार की इज्जत मायने रखती है लेकिन किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं। एक मां ने अपनी ही बेटी की जान ले ली ताकि वो खुशहाल जिंदगी बिता सके। दिल दहल उठता है एक मां की ऐसी क्रूरता देखकर। कहा तो मां बाप अपने बच्चों के लिए अपने सुख चैन का बलिदान कर देते हैं लेकिन ये एक ऐसी मां थी जिसने अपने सुख के लिए अपनी ही बच्ची की बलि चढ़ा दी। वाह! लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ?
पायल को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा होगी। अगर एक माँ होने के नाते मुश्किल के साथ ही सही लेकिन इज्जत से अपनी बेटी और देवर देवरानी से दूर रहती तो एक माँ यूं अपराधी नहीं बनती। इसीलिए जरूरी है कि सही समय पर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए, वरना पता नहीं कि कब एक आम इंसान अपराधी बन जाए। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा। तो सावधान।